देश आ वर्षे तेनो 76મો स्वतंत्रता दिवस उजवा जई रह्यो छे। आजे स्वतंत्रता दिवस ने परेड नु ड्रेस रिहर्सल थवानु छे। ते ड्रेस रिहर्सल ने कारणे दिल्ली पुलिसे एडवाइजरी जारी करी। ते एडवाइजरी मां कहेवामां आव्युं छे के घणा मार्गो पर डायवर्जन करवामां आव्युं छे। आवी स्थितिमां लोकोने बिन रूट पर आवाथी बचाववा पर भार मूकवामां आव्यो। जणाववामां आवी रह्यो छे के दिल्ली पुलिसे कुल 8 रूट पर डायवर्जन कर्युं छे। आ मार्गोमां नेताजी सुभाष चंद्र बोस एसपी मुखर्जी मार्गनो समावेश थाय छे। आ उपरांत आईएसबीटी અને આઈપી ફ્લાયઓવર આઉટર રિંગ રોડ અને રાજઘાટથી આઈએસબીટી સુધીના રસ્તા ઉપર પણ સવારે 4-11 વાગ્યા સુધી તેઓ બંધ રહેશે। દિલ્હી પોલીસે એડવાઇઝરીમાં એમ પણ કહ્યું છે કે જે વાહન ઉપર પાર્કિંગ લેબલ નથી તેમણે સી હેક્સાગોન, ઇન્ડિયા ગેટ, કોર્પોરેટ માર્ગ, મંડી હાઉસ, સિકંદરા રોડ, તિલક માર્ગ, મથુરા રોડ, નેતાજી સુભાષ માર્ગ પર જવાનું ટાળવું જોઈએ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड प्रवास आज बीजो दिवस संसदीय क्षेत्र में सामान्य लोगों ने सांजे कोझिकोड जिला कोडनचेरी खाते सामुदायिक विकलांगता व्यवस्थापन केन्द्र शिलान्यास करते त्यारबाद दिल्ली जवा रवाना थशे। राहुल बे दिवसीय प्रवास पर शनिवार 12 ऑगस्टे वायनाड पहुंचा था। सांसद तरीके पुनर्स्थापित थया बाद तेमना संसदीय क्षेत्र की आ प्रथम मुलाकात छे। राहुल गांधी वायनाड ना कालपेटा में जाहिर सभा करी हती। आ दरमियान तेमणे कह्युं कि पीएम मोदी राष्ट्रवादी नथी। संसद में मणिपुर मुद्दा पर बात करती वखते तेओ हसी पड़ा। मैं संसद में कहूं भाजपे मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया ने मारी नाख्यू छे। मणिपुर में भारत माता की हत्या करवामां आवी छे। राहुल गांधी वडाप्रधान पर आकरा प्रहार करता कहूं कि पीएमए संसद में 2:37 नु भाषण आप्यू परंतु तेओ भारत माता की हत्या पर 2 मिनिट पण बात करवा तैयार नथी। एनसीपीमां बे फाड पछी शरद पवार अने अजित पवार वच्चे सीक्रेट बैठक मळी हती। कहेवामां आवे छे के पुणेमां बंने वच्चे आ मीटिंग थई हती। अचानक फरी एक वखत काका भत्रीजा मळता राजकारण गरमायुं छे। पुणेना बिजनेसमैन अतुल चोरडियाना बंगला पर बंने नेताओ वच्चे आ सीक्रेट मीटिंग मळी हती। अजित पुणेमां एक ज पुलनुं उद्घाटन करवा माटे आव्या हता। त्यां शरद पवार पण कोई बीजा कामथी हाजर हता। ते बाद बंने नेता बिजनेसमैन अतुल चोरडियाना बंगला पर मळ्या हता। अजित पवार साथे तेमना जूथना बीजा साथी पण हाजर रह्या हता। आ बैठकमां शुं चर्चा थई ते स्पष्ट नथी। केटलीक वखत एनसीपीना प्रमुखने मनावानो प्रयास पण करवामां आव्यो। जो के आ प्रयासो छतां पण शरद पवारे तेमना पोताना राजकीय पत्ता खोल्या न हता। ते भत्रीजा साथे चाल्या जशे के पछी पोतानी पार्टी माटे एक नवी लड़ाई लड़शे ते पण स्पष्ट नथी। मध्यप्रदेश इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ना सोशल मीडिया हैंडलर्स विरुद्ध भाजप सरकार पर भ्रष्टाचार नो आरोप लगावती सोशल मीडिया पोस्ट करवा मुद्दे एफआईआर दाखिल करवामां आवी छे। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करवामां आवी हती जेमां मध्यप्रदेश सरकार विरुद्ध 50% कमीशन सरकार ना आक्षेपो कराया हता। कांग्रेसे कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी दरमियान प्रदेश की सरकार पर 40% कमीशन नो आरोप लगाव्यो हतो जेनो कांग्रेस पार्टी ने चूंटणी में घणो फायदो थयो हतो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ना सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट करवामां आवी हती जेमां भाजप सरकार पर भ्रष्टाचार ना आरोप लगाड़वामां आव्या हता। सोशल मीडिया पोस्ट में जणाववामां आव्यु हतुं के मध्यप्रदेश कॉन्ट्राक्टरों संघे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने पत्र लख्यो हतो जेमां फरियाद करवामां आवी के तेमने 50% कमीशन चूकव्या पछी चुकवणी मेळवे छे। शहर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहां पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियां डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है। कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है। वो सारे तत्व तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव हेठ देशभर में अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा काढवामां आवी। जम्मू कश्मीर ना उपराज्यपाल मनोज सिन्हाए पण तिरंगा यात्रा ने लीली झंडी बतावानी शुरुआत करी हती। श्रीनगर ना डल सरोवर नजीक आवेला एसकेआईसीसी थी
बोट निकल गार्डन सुधी आ यात्रा काढवामां आवी हती। आ विषे बात करता काश्मीरना एडीजीपी विजय कुमारे जणाव्युं के उपराज्यपालनी आगेवानीमां आ तिरंगा यात्रा काढवामां आवी हती। आ यात्रामां 10,000 थी वधु लोकोए भाग लीधो हतो। स्थानिक लोको पण यात्रामां शामिल थया हता। स्वतंत्रता दिवस नजीक आवी रह्यो छे त्यारे सावचेतीना भागरूपे संवेदनशील विस्तारोमां पोलीस बळ तैनात करवामां आव्युं छे। जैसा कि ऑनरेबल एलजी साहब लीड कर रहे थे, आप देखे होंगे कि काफी आवाम लोग थे यहाँ पर, सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे, पुलिस के लोग थे, सारे ऑफिसर लोग आए हुए थे, तो 10,000 से ज्यादा लोग ये पार्टिसिपेट किए। अच्छी बात है, ये टाइट सिक्योरिटी प्रबंध किए हैं पूरा, और ड्रोन का यूज करें, हेलीकॉप्टर का भी रेकी करेंगे, हेली रेकी कराएंगे, और फिर स्क्रीन चेकिंग चल रहा है, और ऐसा बंदोबस्त है कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। इस बार पहली बार जनरल पब्लिक भी काफी नंबर में आ रहे हैं पूरा। भारते सरहद पर तेना दुश्मनों ने जड़बातोड़ जवाब आपवा माटे तेनी ताकत में वधारो कर्यो छे। भारतीय वायुसेनाए तेना बेड़ा में हेरोन मार्क बे ड्रोन ने शामिल कर्यो छे। हेरोन मार्क बे ने सरहदी विस्तार में हवाई निरीक्षण माटे खूब ज असरकारक मानवामां आवे छे। भारतीय वायुसेना हवे मेक इन इंडिया हेठळ तेना प्रोजेक्ट चिताने आगळ वधारवानी योजना बनावी छे। अंतर्गत भारतीय सशस्त्र दळोना लगभग 70 हेरोन ड्रोन ने सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक साथे अपग्रेड करवामां आवशे। सेना ने 31 प्रीडेटर ड्रोन पण मळशे। सेना ने 4 नवा हेरोन मार्क बे ड्रोन मळशे, जे लांबा अंतरनी मिसाइल अने अन्य शस्त्र प्रणालीओथी सज्ज छे। हेरोन मार्क बे ने उत्तरी सेक्टर में फॉरवर्ड एरबेस पर तैनात कराया छे। हेरोन मार्क बे ड्रोन नुं संचालन स्क्वाड्रन द्वारा करवामां आवे छे, जेमने वार्डन्स ऑफ द नॉर्थ तरीके ओळखवामां आवे छे। द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यू रियली हैव टू फ्लाई इट टू बिलीव इट। इट हैज मोर एनहांस्ड एवियोनिक सूट and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions, so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. Okay, as we had discussed earlier, this is the first time the Indian Air Force has got a drone which can operate on satellite communication. The unspiked drones which we had only had line of sight capability, wherein it was restricted by the line of sight communication between the aircraft and the pilot. Now that the drone can use satellite communication, it is not restricted by it. हरियाणाना पलवल पासे आवेला पौंड्रीमां हिंदु समाजना समूह द्वारा महापंचायत योजवामां आवी हती। स्थानिक वहीवटीतंत्रे केटलीक शरतोने आधीन महापंचायत योजवानी मंजूरी आपी। आ महापंचायतमां 500 जेटला लोको हाजर रह्या। कोईपण अनिच्छनीय बनाव न बने तेना माटे पौंड्रीमां भारे पोलीस दळ तैनात करवामां आव्युं हतुं। मीडिया रिपोर्ट्स मुजब आ महापंचायत नूना कीरा गाम खाते थवानी हती, जो कि नूमां कलम 144 लागु होवाथी स्थानिक वहीवटीतंत्रे तेने मंजूरी आपी न हती। 31 जुलाई रोज नूमां यात्रा अटकावा बाबते हिंसा अने घर्षणनो बनाव बन्यो। आ पछी हिंसा केटलाक अन्य शहेरोमां पण फैलाई। हरियाणामां थयेली हिंसामां कुल 6 लोकोना मौत थया हता। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए मध्यप्रदेशना सागर जिल्लामां कवि अने समाज सुधारक संत रविदासने समर्पित 100 करोड़ रूपियाना मंदिर कम मेमोरियलनुं शिलान्यास कर्यो हतो, जेमां तेमणे लोकोने संबोधित करती वखते कह्युं के गरीबोनी पीड़ा समजवा माटे मारे पुस्तको शोधवानी जरूर नथी। वधुमां तेमणे कह्युं के कोविड महामारी दरमियान मैं नक्की कर्युं हतुं, गमे ते थाय हुं मारा गरीब भाई बहेनोने खाली पेट सूवा नहीं दऊं। हुं सारी रीते जाणुं छुं के भूख्या रहेवानुं दुःख शुं होय छे। हुं जाणू छू के गरीब नु स्वाभिमान शू छे। हुं तमारा परिवार नु सभ्य छू। तारी खुशी अने दुख समझवा माटे मारे पुस्तको शोधवानी जरूर नथी। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया, और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है।
કોલકાતામાં યોજાયેલી G20 ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી મંત્રી સ્તરની બેઠકમાં વિડીયો સંદેશ મારફતે વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતે ભ્રષ્ટાચાર સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી છે. ભ્રષ્ટાચારના કારણે સમાજના ગરીબ અને વંચિત વર્ગને સૌથી વધુ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. તેના કારણે લોકોની જીવનશૈલી પણ કેટલીક હદ સુધી પ્રભાવિત થાય છે. અર્થશાસ્ત્રમાં કૌટિલ્યએ જણાવ્યું છે કે વધુ ને વધુ લોકોને લાભ થાય તેવી રીતે સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવો એ સરકારની ફરજ છે. આ માટે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પગલાં લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પારદર્શક ઇકો સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે ઈ ગવર્નન્સનો સહારો લીધો છે. સરકારી પ્રોજેક્ટ અને કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં થતા કૌભાંડ અને ગેરરીતિને અટકાવવા માટે સરકારે યોગ્ય પગલાં લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ કરપ્શન ઇઝ ફેલ્ટ ધ મોસ્ટ બાય ધ પુઅર એન્ડ ધ માર્જિનલાઇઝ્ડ. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery. And ultimately, it diminishes people's quality of life. India has a strict policy of zero tolerance against corruption. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા પ્રાદેશિક પંચાયતી રાજ પરિષદ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં પીએમએ કહ્યું કે જ્યારે હું પાર્ટીના કાર્યક્રમમાં આવું છું, કાર્યકરોને મળું છું, ત્યારે મને હંમેશા નવી પ્રેરણા અને નવો ઉત્સાહ મળે છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું, હું હંમેશા માનતો આવ્યો છું કે પૂર્વી ભારતમાં એક મજબૂત સ્તંભ બનાવવાની, દેશના વિકાસનું એક મજબૂત એન્જિન બનાવવાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા છે. ત્યાં કુદરતી સંસાધનો વિપુલ માત્રામાં છે અને આપણા ઘણા તેજસ્વી, મહેનતુ અને ગતિશીલ નાગરિકો પણ ત્યાં રહે છે. પૂર્વી ભારતના તમામ પ્રતિનિધિઓને મળવું અને તેમની સાથે વાત કરવી એ પોતાનામાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાયેલા ભાજપના ક્ષેત્રીય પંચાયતી રાજ પરિષદના કાર્યક્રમમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં વિપક્ષના અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવને હરાવ્યો અને સમગ્ર દેશમાં નકારાત્મકતા ફેલાવનારાઓને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. લોકશાહીનો સિદ્ધાંત છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બોલે તો તેને સાંભળવું જોઈએ, પરંતુ વિપક્ષી દળોના સભ્યો ચર્ચા દરમિયાન અધવચ્ચે જ સદન છોડી અને જતા રહ્યા હતા. સત્ય એ છે કે વિપક્ષી દળો અવિશ્વાસ પર મતદાન કરતા ડરી ગયા. વિપક્ષી દળો ઇચ્છતા ન હતા કે મતદાન થાય, કારણ કે જો મતદાન થયું હોત તો આ ગઠબંધનની પોલ ખુલી ગઈ હોત. આ ઘટના સમગ્ર દેશના લોકોએ જોઈ છે. આપણે દેખા હૈ કે હમને સંસદ મેં વિપક્ષ કે અવિશ્વાસ કો ભી હરાયા ઓર દેશભર મેં નેગેટિવિટી ફેલાને કા જો એક સિલસિલા ચલા હૈ ઉસકા ભી કરારા જવાબ દિયા. और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી તમિલનાડુના કોઇમ્બતુર એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. લોકસભામાં સાંસદ તરીકેની સદસ્યતા પરત મેળવ્યા બાદ રાહુલ ગાંધી પોતાના મતવિસ્તાર કેરળના વાયનાડના પ્રવાસે છે. વાયનાડ જવા માટે રાહુલ ગાંધી દિલ્હીથી વહેલી સવારે રવાના થયા. કેરળ કોંગ્રેસ કમિટીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ વીટી સિદ્કીએ જણાવ્યું કે રાહુલ ગાંધી 12મી અને 13મી ઓગસ્ટના રોજ આમ કુલ 2 દિવસ માટે વાયનાડના પ્રવાસે છે. વાયનાડમાં રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના નેતા, કાર્યકર્તાઓ અને લોકોને મળશે.
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी फरी एक बार विदेश प्रवासे जई शके छे। सूत्रों पास थी मळती माहिती प्रमाण राहुल गांधी सप्टेम्बर बीजा सप्ताह में यूरोप प्रवासे जशे। आ पहला राहुल गांधी अमेरिका प्रवासे गया था त्यारे संसद में सदस्यता रद्द कर। आगामी प्रवास दरमियान राहुल गांधी यूरोप देशों बेल्जियम ब्रसेल्स नॉर्वे ओस्लो और फ्रांस पेरिस जवाना छे। साथ साथ राहुल गांधी यूरोपियन संसद की मुलाकात करवाना छे। राहुल गांधी ईयू सांसदों साथ बातचीत करशे। आ साथ एनआरआई साथ मुलाकात और त्यानी यूनिवर्सिटीओं विद्यार्थियों साथ वार्तालापनो कार्यक्रम योजाना छे। राहुल गांधी 2023 तीजो विदेश प्रवास छे। आ पहला राहुल गांधी मे महीना सप्ताह में अमेरिका प्रवासे गया था। अमेरिका प्रवास में राहुल गांधी त्रण शहरों सैन फ्रांसिस्को वॉशिंग्टन डीसी और न्यूयॉर्क गया था। संसद बन्ने गृह में पसार थया बाद राष्ट्रपति दिल्ली सेवा बिल ने मंजूरी आपी। आ साथ 19 मे ना रोज बहार पाड़वामां आवेला वटहुकम हवे कायदो बनी गयो छे। अगौ दिल्ली सरकारे वटहुकम ने सुप्रीम कोर्ट में पड़कार्यो हतो। हवे सुधारेला कायदा ने पड़कारशे। दिल्ली सेवा बिल ने संसद चौमासू सत्र में रजू करवामां आव्यो हतो। आ बिल 3 ऑगस्ट रोज लोकसभा में पसार थयो हतो। जारे 7 ऑगस्टे खरडो उपला गृह में पसार करवामां आव्यो। आम आदमी पार्टी की अपील पर विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजकीय पक्षों सांसद सभ्यए बिल विरुद्ध में मतदान कर्युं हतुं। कांग्रेसे पण बिलना विरोध में मतदान कर्युं हतुं। राज्यसभा में बिल पास थया बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाले तेने भारतीय लोकशाही माटे काळो दिवस गणाव्यो हतो। केजरीवाले दावो कर्यो हतो कि आ बिल दिल्ली की चूंटायेली सरकार ने काम करवा देशे नहीं।